Good morning, dear students. I am Javed, your English teacher. I warm welcome you in Hosaini Public High School at Chandi Srinagar. Today, we are going to discuss our topic, that's preposition, from our grammar portion. So, let's come and have a discussion regarding the topic. So, preposition, what the preposition is mean to be. At first, we noted in preposition, what the preposition is. A preposition is a word that links a noun or pronoun with other parts of the sentence. Preposition क्या है? Preposition एक word है जो link करता है, जोड़ने का काम करता है कि इसका noun या pronoun का with other parts of the sentence, दूसरे parts of the sentence जो दूसरे से होके part sentence के उनके साथ जोड़ने का काम करता है, ठीक है? It expresses direction, time, place. और क्या चीज़ होता है? ये जो preposition हमारी ये क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन, किसी चीज की डायरेक्शन, दिशा को किसी तरफ ले, जैसे जिस तरफ हम बात करें उसके, यानी जैसे डायरेक्शन, किसी चीज की डायरेक्शन. दूसरा टाइम, टाइम बता रहा है. तीसरा प्लेस, किस जगह पे, ये जो है जगह की नाम है. डायरेक्शन, टाइम, प्लेस. डायरेक्शन कौन सी दिशा में, टाइम कौन सा टाइम, प्लेस कौन सी जगह, ठीक है. अब आगे आते हैं. तो इससे पहले हम प्रपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं, तो प्रपोजिशन में तो पहले हमें जो भी टॉपिक हम इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले बेटा उसके मीनिंग जान लो. जो भी टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, चाहे कोई नरेशन पढ़ने जा रहे हैं, टेंस पढ़ने जा रहे हैं, पहले उनकी मीनिंग जान लो. तो इसी तरह से जो प्रपोजिशन हमारी है, प्रपोजिशन बना है दो वर्ड से, प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन क्या होता है? प्री मीन्स पहले, पोजिशन मीन्स जगह, यानी पहले जगह. प्रीपोजिशन पहले जगह. तो वो क्या होता है? जैसे मैं कहूं कोई भी, ये जो प्रपोजिशन है ये किसी वर्ब, ये जो ना, कोई भी जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस से जोड़ने का काम करता है, ये हमें पता है प्रपोजिशन का. तो जैसे क्या है किसी पार्ट ऑफ सेंटेंस को, जैसे आई एम इन द क्लास, मैं जो ना क्लास में हूं, ये आई का और क्लास का रिलेशन जो है इन ने बताया, क्लियर. तो इस इन से पता हमें चला कि ये जो हमारा प्रोनाउन है और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके बीच के रिलेशन जो है इस इन ने बताया, ये जो हमारा प्रपोजिशन है, क्लियर. तो ये हो गया प्रपोजिशन. प्रपोजिशन क्या है? जो किसी सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन को दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस से जोड़ने का, इतना क्लियर, ठीक है. और मैंने तीन बातों का पता चलता है. एक है डायरेक्शन, टाइम, प्लेस. डायरेक्शन बताया मैंने, प्लेस, टाइम भी बताया, प्लेस बताया, ठीक है. और हमारी बहुत सारी प्रपोजिशन है, तो उनमें से जैसे इन है, ऑन है, एट है, विद, ये सारी बहुत सारी प्रपोजिशन है. तो पहले हमने एक का प्रपोजिशन हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे, वो प्रपोजिशन ऑन, ठीक है. ऑन जैसे वो ऑन स्विच भी होता है, ऑन ऑफ होता है, उसी ऑन की बात हो रही. ऑन क्या है? ऑन शोज द सर्फेस ऑफ एनीथिंग. प्रपोजिशन ऑन जो है किसी चीज की सरफेस को, सरफेस क्या होता है? किसी चीज की सतह. फॉर एग्जाम्पल, चाक मैंने अपने हथेली पे रखा, ठीक है, तो ये जो है इसकी सरफेस है, क्लियर. तो प्रपोजिशन ऑन जो है किसी चीज की सरफेस को, किसी चीज की सतह को दिखा रहा है, ठीक है. आइए एग्जाम्पल के जरिए से पता करेंगे ये जो सरफेस क्या होता है. जैसे द बुक, द बुक है कोई, इज ऑन द टेबल, कहां पे है? टेबल पे. ये टेबल जो है इसकी सरफेस है, क्लियर. नेक्स्ट है द पेपर इज ऑन माय डेस्क. पेपर, कोई पेपर है वो कहां पे है? डेस्क पे. उसकी जो है जगह पता लगेगा कहां पे, वो डेस्क पे है, ठीक है. तो ये जो है ये होगा सरफेस. अब मतलब ओवर में बहुत सारे ये जो सरफेस के जो नाम हमारे यूजेज है, तो हमने जो है इससे पता चला कि सरफेस कैसे, मतलब यानी दुनिया का कोई भी चीज, किसी मतलब कोई भी चीज जो है किसी सरफेस पे जो होगा, तो वहां पे प्रपोजिशन ऑन आएगा ही आएगा, ठीक है. अब दूसरा इस्तेमाल क्या है? ये जो ऑन प्रपोजिशन है शोज डेज एंड डेट्स. प्रपोजिशन ऑन जो है ना ये डेज एंड डेट्स को दिखा है. डेज एंड डेट्स क्या है? मतलब जैसे डेज, डेज ऑफ द वीक, जैसे संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्ड, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, होल डेज ऑफ द वीक. और डेट, कोई भी डेट, जैसे कोई भी डेट चल रहा है तो उसके बाद उसके साथ हम प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही विल कम ऑन वेडनेसडे. वो कब आएगा? वेडनेसडे को. तो ये हमारा डे ऑफ द वीक है, तो इससे पहले हमने प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया, क्लियर. नेक्स्ट है दे मेट मी, वो मुझे मिलेंगे कब? ऑन वेडनेसडे. वेडनेसडे को वो मुझे मिलेंगे. तो ये वेडनेसडे जो है ये भी डे ऑफ द वीक है, ठीक है. नेक्स्ट है दे, आई वाज बोर्न ऑन 2nd of February 1919, ठीक है. तो मैं पैदा हूं कब? पैदा हुआ है ऑन, इससे पहले हमने डेट कैसा हो, February 1999, सेकेंड फ्रॉम 1990, मतलब कोई भी डेट, मतलब मेजर एज रैंडम लेवल इस्तेमाल कर. तो इसमें इन्होंने जो भी आप लोग के डेट ऑफ बर्थ है वहां वो आप यहां पे इस्तेमाल कर सके, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में उसमें डे और ईयर दोनों आते हैं, तो उनके साथ हम प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करें, क्लियर. तो ये हो गए.
अब नेक्स्ट जो इसका है प्रपोजिशन ऑन जो है शोज डिवाइस और मशीन. ये जो प्रपोजिशन ऑन है ये डिवाइसेस डिवाइस पर कोई भी चीज और मशीन मशीन जैसे हमारा फोन होता है कंप्यूटर और लैपटॉप ये सारी जो ना इनके साथ ये जो मशीन होते हैं तो इनके साथ हम प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही इज ऑन द फोन. वो अपने फोन पे है. फोन पे क्या वो आके फोन पे बैठा नहीं है बल्कि वो फोन पे बात कर रहा है. ठीक है तो ये जो फोन है ये हमारा क्या है डिवाइस है. ठीक है तो नेक्स्ट है द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविजन. तो शो जो है ना शो किसपे टेलीकास्ट होने वाला है टीवी पे. अब टीवी पे जो ना शो टेलीकास्ट होने वाला है तो टीवी जो है ना हमारी मशीन है डिवाइस है इसके पहले हम जो है प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल कर रहे हैं. नेक्स्ट है शी हैज बीन ऑन द कंप्यूटर. वो अभी कंप्यूटर पे है. क्या कंप्यूटर पे क्या है मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो कंप्यूटर का कीबोर्ड है मॉनिटर उसके ऊपर आके बैठी वैसा नहीं है बल्कि वो जो है कंप्यूटर पे आके काम कर रही है. वो कभी कंप्यूटर पे है. ठीक है तो ये होगी डिवाइस और मशीन. इसके बगे जैसे हम कहेंगे शी सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर. कैलकुलेटर भी हमारे डिवाइस है. ठीक है ना तो ये सारी चीज इस तरह से जो है डिवाइस और मशीन को दिखाता है. तो आप किसी भी डिवाइस और मशीन के साथ उसको जो उससे पहले जो है ना प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये नेक्स्ट इस्तेमाल देख सकते हैं. नेक्स्ट इस्तेमाल क्या नेक्स्ट यूज क्या है इसका शोज द पार्ट ऑफ द बॉडी. जो प्रपोजिशन ऑन है ये हमारे पार्ट ऑफ बॉडी को दिखाता है. पार्ट ऑफ बॉडी मतलब क्या है जैसे द आइसक्रीम फेल ऑन माय लेग. आइसक्रीम को क्या वो मेरी लेग मेरी टांग पे गिरी. तो ये जो लेग है ये जो लेग मेरी लेग जो है ना ये मेरी पार्ट ऑफ बॉडी है. ओब्वियसली इसके साथ हमने प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया है. नेक्स्ट है शी वेयर्स हर एंगेजमेंट रिंग. उसने ना अपनी एंगेजमेंट रिंग पहनी है. एंगेजमेंट रिंग पहनी कहां पे ऑन हर फिंगर अपने फिंगर पे. फिंगर जो है ना ये भी पार्ट ऑफ बॉडी है. पार्ट ऑफ बॉडी. और नेक्स्ट ये जो ना इस तरह से जो पार्ट ऑफ बॉडी है पार्ट ऑफ बॉडी के साथ हम मुख्तलिफ पार्ट ऑफ बॉडी जो भी हमारे पार्ट ऑफ बॉडी उनके साथ हम प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहां हमें एग्जांपल के जरिए से पता चले जैसे आइसक्रीम फेल हो गई मेरी लेग पे या उसने एंगेजमेंट रिंग पहनी कहा अपने उंगलियां ऐसी कर सकते माँ मन किस में हमें फोर है मेरी माँ ने मेरे माथे में जो है तो ये जो माथा मेरी टांग उंगली जो भी है ना ये सब पार्ट ऑफ बॉडी है इनके साथ हमने प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया था. तो इसके बाद एक और इस्तेमाल होता है इसका वो है टू शो द स्टेट किसी चीज की हालत को दिखाना. जस्ट वेट प्रपोजिशन आज जो है ना ये एक और इस्तेमाल इसका शोज द स्टेट ऑफ एनीथिंग. किसी चीज की हालत को दिखाना. स्टेट में अंदर पूछ गए उस चीज की हालत को दिखाना. जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज ऑन बेड रेस्ट. वो क्या है वो अभी बेड रेस्ट पे यानी उस इंसान की हालत जो है ना वो अभी बेड रेस्ट पे बीमार है और वहां पे कोई बेड रखा उस बेड पे सो तो उसका बेड रेस्ट है. तो उस इंसान की पोजीशन ये नहीं जिसके बात कर वो भी बेड रेस्ट पे यानी उसकी जो पोजीशन उसकी स्टेट जो है ना वो उसकी पोजीशन जो उसकी हालत जो है अभी वो बेड रेस्ट पे है. ठीक है जैसे हम दूसरा कहेंगे मैंगो जूस इज ऑन डिमांड. मैंगो जूस जो है वो डिमांड पे है. जो मैंगो जूस की जो स्टेट है अभी ये जो ना ये क्या है इसकी स्टेट क्या है अभी डिमांड पे है. जैसे अभी विंटर चल रहा है गर्म कपड़े सबको चाहिए या अगर गर्मी का सीजन तो सबको जूस चाहिए तो वो जो ना ये सारी चीज जो है इनकी पोषण को बता इनकी हालत को बता रहा है. तो ये जो ना ये इसका एक ऑन का इस्तेमाल एक और है कि किसी चीज की स्टेट को दिखाना किसी चीज की हालत को दिखाना. जैसे हमने देखा कि वो अभी बेड रेस्ट पे है मैंगो जूस अभी डिमांड पे है. ठीक है या जैसे अगर विंटर चल रहे हैं तो अभी गर्म कपड़े सब कुछ है तो वो जो गर्म कपड़े अभी डिमांड पे है उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है. ठीक है या दूसरे जो हम मतलब चीजें इस्तेमाल करते हैं मतलब ठंडी में जो हम इस्तेमाल करते हैं तो उनको जो ना वो अभी क्योंकि अभी सीजन है. तो ये जो है इनकी स्टेट को दिखा
कहने का मतलब है ये उनकी स्टेट को दिखाना। तो इस तरह से आज हमने जो है ना प्रपोजिशन ऑन के कुछ यूज देखे हैं और उनका मतलब कहां पे क्या इस्तेमाल करना है। तो आगे जो है ना और भी कुछ ऐसे ऐड है, इन्हें दूसरे भी एग्जाम और भी एग्जाम्स पढ़ने हैं जो हमें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो। तो इंशाल्लाह तब तक जो ना टिल बाय, थैंक यू।